गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों ने कार्य एक और पार्ट तीन समझ लिए होंगे। आज हम बात करने चाहते हैं अपने पाठ्य पुस्तक वसंत भाग एक से कार्य चार, जिनका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे, जिनके कवि है श्री शमशेर बहादुर सिंह जी। यहाँ पर हम जब शीर्षक की बात कर रहे हैं तो हमें पता पड़ ही जाता है कि हमें गप्पे लगाने हैं। गप्पे यानी किसी के साथ बातचीत करनी है। और किससे गप्पे लगाना है? चांद से। और वह कौन लगा रहा है? तो कि यहाँ पर एक 10-11 साल की लड़की है, वह चांद से गप्पे लगा रही है, बातें कर रही है, उनसे प्रश्न पूछ रही है, उनसे वह जानने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि चांद है वह कभी भी कोई भी एक रूप में रहता नहीं है। कभी वो दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता। कभी वह पतली सी रेखा हो जाती है तो बिल्कुल अदृश्य भी दिखाई देता है। और इन सब के पीछे जो हमारी पौराणिक कथा है वह आप सब लोग भली भांति जानते होंगे, क्योंकि यह प्रश्न जिस तरीके से ये लड़की को हुआ है वैसा ही प्रश्न आपको भी अपने बचपन में हुआ होगा। आपने भी कभी ना कभी अपने माता पिता से यह प्रश्न किया होगा कि चांद है वो कभी एक ही जैसा क्यों नहीं दिखाई देता, जबकि सूर्य है वो कभी भी अपना जो आकार है वह बदलता नहीं है। आप सबने बचपन में वो गणेशा मूवी देखी होगी। देखिए बच्चों, मजा आता है। उसमें एक कहानी है कि एक बार गणपति है, वह रात को अपने वाहन का वाहन क्या है, मुष्यक राज के ऊपर सवार होकर जा रहे हैं। और वह एकदम से रफ्तार में है और उस रफ्तार में सामने उसे एक सांप दिखाई देता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमेशा मूषक है वो सांप से डरते हैं। मूषक का पर्यायवाची है चूहा। क्यों? क्योंकि सांप है वो हमेशा मूषक को यानी कि चूहे को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और तब अचानक से गणपति है वो गिर जाते हैं। और यह सारी घटना घटित होते कौन देख रहा है? चांद देख रहा है। और तब वो हंसने लगते हैं और उसने गणेशा का मजाक किया कि मोटे मोटे गणपति छोटे छोटे लड्डू लेके गिर पड़े। हम सबको बताया कि गणपति का प्रिय भोजन है लड्डू। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारी मम्मी ने लड्डू बनाए थे। क्यों? गणेश चतुर्थी थी, गणपति को भोग चढ़ाना था। तो यहाँ पर कभी कभी ना कोई अचानक से मजाक करते है ना, वह भी हम सहन नहीं कर पाते। तो उसी तरह से गणपति के साथ हुआ और उसने गणपति ने किसको श्राप दे डाला? चांद को, कि जिस तरीके से तुम्हें अपनी सुंदरता पर अभिमान है वो सुंदरता तुम्हारी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। और फिर यह बात सुनकर ही, यह श्राप लगते ही चांद जितना सुंदर था वैसा ही काला हो गया। और वह अपना इस काली मां को सहे, वो अपना कालापन सहन कर पाया नहीं। उसने गणपति से प्रार्थना की, याचना की कि आप मुझे इस श्राप से मुक्त करिए। तब क्या हुआ? गणपति ने उसे कहा कि मैं श्राप को आपको पूरी तरीके से तो मुक्त नहीं कर सकता हूं, परंतु हाँ, ये तुम्हारी जो सुंदरता है वो तुम्हें महीने में एक बार अवश्य प्राप्त होगी। वो दिन कौन सा है? पूर्णिमा। और श्राप के अनुसार वो एक बार नष्ट भी हो सकती है। वह दिन कौन सा है? अमावस्या। इसलिए हर महीने में 15 दिन के बाद
पूर्णिमा आती है जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है और 15 दिन के बाद अमावस्या आती है जो जहाँ पर हमें बिल्कुल भी चांद दिखाई देता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग मान रहे हैं कि चांद है वो श्रापित है, उसको गणेशा का श्राप लगा है और इस श्राप की पूर्ति के हेतु उसमें बढ़ाव चढ़ाव होते ही रहते हैं। परंतु बच्चों, जिस तरीके से हम पुराण को मानते हैं, पौराणिक कथाओं को मानते हैं, जैसे कि अभी आप हाल में ही रामायण देख रहे हो, वह हमारी पौराणिक संस्कृति है, वह हमें सिखाती है कि हमें किस तरीके से बड़ों का आदर करना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। उसी तरह हम आज के युग के साथ साथ विज्ञान भी पढ़ रहे हैं, विज्ञान को जान भी रहे हैं। आप सब ने देखा होगा कि भाई हमारे जो ग्रह मंडल है उसमें चांद भी है, सूर्य भी है, पृथ्वी भी है, बुध भी है, शुक्र भी है। तो चांद, पृथ्वी और सूर्य जो है उनकी जो स्थिति है वो आप जानते होंगे। हम सब लोग मानते हैं कि चांद की कोई अपनी चांदनी नहीं है, कोई अपना प्रकाश नहीं है, वो तो किसके माध्यम से उसे मिलता है? सूर्य के माध्यम से, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी का जो डायरेक्शन है वह घूमने से चांद को प्रकाश मिलता है और उस तरीके से वो बढ़ता जाता है। परंतु ये सारी बातें तो हम जैसे जैसे बड़े होते गए उस तरीके से हमें मालूम होती गई। परंतु मेरे ख्याल से यहाँ पर जो 11 साल की लड़की, 10-11 साल की लड़की, वह ये सारी बातें शायद नहीं जानती होगी, इसलिए उसने चांद से प्रश्न पूछा है कि मुझे भैया चांद समझ में नहीं आता कि आप वैसे तो काफी गोल मटोल हो, फिर भी आप थोड़े से तिरछे क्यों नजर आते हो और आपने तो क्या पहना है, पूरा आकाश पहन के रखा है, आपकी पोशाक क्या है, आकाश है, और उसमें भी वह आपने, हम देखते हैं कि हम अपनी सुंदर ड्रेस बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन कराते हैं, वर्क कराते हैं, उसी तरह आपने अपनी पोशाक को सुंदर बनाने के लिए उसमें अनगिनत तारे जड़े रखे हुए, अनगिनत का मतलब होता है जिसकी कभी भी गिनती की जा सकती नहीं है, सिर्फ मुंह खोले हुए है, अपना अपने सिर्फ अपना मुंह खोला है, ना आपके हाथ पैर दिखते हैं, सिर्फ आपकी पोशाक दिखती है और आपका मुंह दिखता है। घोरा चिट्टा गोल मटोल, आपका फेस कैसा है, आपका मुंह कैसा है, तो कि गोरा है, चिट्टा है, यानी कि बहुत सफेद है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि भाई चांद है, उसकी जो पोशाक है वो काफी सुंदर है, पर आपकी पोशाक को फैलाई हुई चारों स्मित का मतलब चारों तरफ, आपने जो अपनी पोशाक है वो कोई एक जगह पे नहीं रखी है कि चलो यहाँ पर सीमित है वहां नहीं है, आकाश की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, असीम कहते हैं, असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा होती नहीं है। तो चारों स्मित का मतलब है चारों तरफ, आप कुछ तिरछी नजर आते ही जाने कैसे खूब है गोके, वैसे तो आप सब जगह अपने पोशाक फैलाए हुए, फिर भी आप थोड़े से तिरछी नजर आते हो, खूब है गोकी, आपकी गोलाई तो काफी है, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, वाह जी वाह, यानी कि ये क्या, आपको ये लग रहा है कि हम तो बिल्कुल बुद्ध है, नादान है, ना समझ है। बुद्धू का मतलब कि जो जिसको समझ में आता नहीं है, हम समझते नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है
क्या आपको ये लग रहा है कि हम नादान हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जैसे आपको कोई बीमारी है और वह बीमारी आप हम सबको बताना चाहते नहीं है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। यहाँ पर क्या कहा है कि एक बार आपने घटने का काम शुरू कर दिया तो बस घटते ही चले जाते हो, घटते ही चले जाते हो, और बढ़ते हो तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो। अगर आपने बढ़ने का काम शुरू कर दिया तो फिर बढ़ते ही चले जाते हो, यानी कि चांद को यह है कि जो भी काम करना है वो पूरा करना है ना। अगर घटने का काम करना है तो घटते जाओ, अगर बढ़ने का काम करना है तो बढ़ते जाओ, यानी कि आप पूरी तरीके से कोई एक ही जगह पे स्थिर रहते नहीं हो, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। आप कभी भी दम नहीं लेते हो, शांति से रुकते नहीं हो जब तक आप जो कार्य करना चाहते हो वह पूरी तरीके से नहीं कर लेते हो, बिल्कुल गोल, आप पूरी तरीके से गोल नहीं हो जाते हो। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, आपकी ये जो मर्जी है वो हमें समझ में आती नहीं है। तो यहाँ पर काफी सारी बातें हमें चांद के बारे में ये छोटी सी लड़की बता रही है कि भाई ये तुम्हारी जो मर्जी है वो कब पूरी होगी, किस तरीके से होगी, और क्या हम छोटे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि हम बुद्धू हैं, आप जो भी बात बताते जा रहे हैं वो हम समझेंगे नहीं, हमें भी इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम इस कविता के माध्यम से यह समझ सकते, पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। वैसे तो आपने पूरी समझ ही ली होगी कि गोल है खूब मगर आप तिरछी नजर आते ही जरा, आप पहने हुए है कुल आकाश तारो जड़ा, कुल आकाश, कुल यानी पूरा आकाश, किस किससे जड़ा हुआ है तो कि तारों से जड़ा हुआ आपने पहन लिया हुआ, सिर्फ मुंह खोले है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, आपने सिर्फ क्या खोल के रखा है तो कि अपना मुंह, कैसा है तो कि गोरा है, चिट्टा है, गोल है, मटोल है, यानी कि आप पूरी तरीके से गोल मटोल दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी चांद गोल मटोल ही है ना, कभी वो पतला सा, कमजोर, बीमार ऐसा कभी भी दिखाई देता नहीं, अगर वो दिखाई भी दे तो हम कभी भी उसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में चांद की, सूर्य की एक ही प्रतिमा है कि वह गोल है, सुंदर है, वाइट है, गोरा चिट्टा है, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है चांद की, कि वह हमें हमेशा ठंडक देता है, शीतल देता है। चांद का जो स्वभाव है वो शीतल है, जबकि सूर्य का जो स्वभाव है वह कैसा है, उष्ण। इसलिए सूर्य से हमें गर्मी प्राप्त होती है और चांद से हमें शीतलता मिलती है। अपने पोशाक को फैलाए हुए चारों में आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी, वाह जीवा, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते नहीं, जैसे कि आप वो बीमारी है, हमें कोई बीमारी नहीं, बीमारी किसको है, चांद को, तो क्या आप हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भले हम छोटे हैं पर ये तो बिल्कुल हमें पता है कि आपको एक अजब सी बीमारी है जिस बीमारी का हमें कोई इलाज मिल रहा नहीं है। कौन सी बीमारी है तो कि ऐसी बीमारी का आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। एक बार रुकना शुरू कर दिया तो रुकना शुरू, यानी कि कम होते 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 इतने कम हो जाते कि बिल्कुल दिखाई नहीं देते, और दूसरे ही दिन जैसे कि एक दिन का आराम, वापस काम पे शुरू,
और बढ़ना 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 इतना बढ़ जाते हो कि जैसे पूरी तरीके से आप बढ़ते ही चले जाते हो, बढ़ते ही चले जाते हो, दम नहीं लेते हैं, जब तक बिल्कुल ही, यहाँ पे देखिए शब्द को अलग किया गया है, बिल्कुल ही, तो बिल्कुल यानी कि पूरी तरीके से आप गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मरज आपका, मरज का मतलब है रोग, बीमारी, मर्जी, इच्छा, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, यानी कि हमें पूरी तरीके से उसके बारे में समझ में ही नहीं आता है। तो अगली कक्षा में हम वापस इनका सार समझने की कोशिश करेंगे और उनके बाद हम प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।